नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल विद्या विद शिखा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे विश्व की जनजातियों के बारे में। जनजातियाँ एक ऐसा चैप्टर है जिससे अक्सर प्रतियोगिताओं में सवाल आते हैं, तो शुरू करते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियों में आज हम जो पढ़ेंगे, इसमें हम विश्व के मैप में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को याद रहे कि कौन सी जनजाति किस देश में निवास करती है। ऐसे तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, लेकिन जब एक बार मैप में पढ़ते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क में एक छाप बन जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको, पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं, इन्हीं महाद्वीप वाइज हम जो है इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अमरीका महाद्वीप की बात करते हैं, तो इसमें उत्तरी अमरीका और दक्षिणी अमरीका है। सबसे पहली जनजाति है एस्किमो के बारे में बात करेंगे, तो एस्किमो एक ऐसी जनजाति है जो बेहद ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। तो ठंडे प्रदेश कौन कौन से देखते हैं। एस्किमो जनजाति अमेरिका के पहले हम पढ़ेंगे, तो अमेरिका में एस्किमो जनजाति अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, ये तीनों प्रदेश जो हैं अंटार्कटिक से सटे होते हैं, तो यहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ रहती है। इन इलाकों में ये जनजाति निवास करती है। तो एस्किमो जनजाति अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में निवास करती है। और एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि एस्किमो जनजाति रहती कहाँ है, तो आपको बताना है एस्किमो जनजाति अर्धवृत्ताकार इग्लू बना के रहती है। इग्लू इनका घर होता है, ये बर्फ़ में ही घर बनाते हैं, तो इसे इग्लू कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी जनजाति के बारे में बात करें तो रेड इंडियन जनजाति जो है दोस्तों, रेड इंडियन शब्द से आप लोग, ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि रेड इंडियन जनजाति कहाँ, चूँकि इसमें इंडियन जुड़ा है तो लोग कन्फ्यूज होते हैं, लगता है इंडिया में कहीं पाई जाती हो। तो आपको याद रखना कि रेड इंडियन जनजाति जो है वो बेसिकली USA की है। तो रेड इंडियन जनजाति कहाँ पाई जाएगी, रेड इंडियन जनजाति USA में पाई जाएगी। आपको पता है कि 49 डिग्री समानांतर जो ये रेखा है, ये कनाडा, ऊपर वाला हिस्सा कनाडा का है और नीचे USA को अलग करती है, तो जो रेड इंडियन जनजाति है वो USA में आती है। इसके बाद इस महाद्वीप की जो और अन्य जनजातियों में, प्रमुख जनजातियों में होपी और यांकी है, ये होपी और यांकी भी USA में ही पाई जाती है। और इसके अलावा एक जनजाति और है माया। आप लोगों ने माया कैलेंडर के नाम सुना होगा, उसमें एक बार कहा था कि 2000 में धरती ख़त्म हो जाएगी, तो वही माया जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, माया जनजाति मैक्सिको में पाई जाती है। मैक्सिको, ये जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का जो सबसे निचला हिस्सा है, ये यहाँ पे ये पाई जाती है मैक्सिको में, ये माया जनजाति। तो अभी हमने पढ़ा उत्तरी अमेरिका की जनजातियाँ, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के इलाके में। उसके बाद रेड इंडियन जनजाति, रेड इंडियन निवास करती है USA। और इसी के बाद होपी और यांकी, ये भी USA की जनजातियाँ हैं। और चौथी जनजाति है मैक्सिको में जो पाई जाती है, माया के नाम से जानती है। तो एक तरह से हमको उत्तरी अमेरिका की जनजातियाँ याद हो गई। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की बात करें, तो दक्षिणी अमेरिका में एक ही जनजाति है और वो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, बोरो जनजाति। कहीं कहीं बोरा भी लिखा होगा तो आप कन्फ्यूज मत होइए। तो बोरा जनजाति के बारे में बात करें दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका में एक एंडीज पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है, इसको अमेजन नदी कहते हैं। वो यहाँ एंडीज से निकलकर ये अटलांटिक में गिरती है। तो इसी अमेजन नदी के किनारे जो खाड़ी बसती है, घाटियाँ बसती है, तो अमेजन नदी की घाटी में यहाँ देश है एक ब्राज़ील। ये ब्राज़ील के पास अमेजन नदी की घाटियों में, और ब्राज़ील के पास और एक देश यहाँ से सटा है पेरू, इसको भी याद रखेंगे, पेरू। तो बोरो यहाँ निवास करती। तो एक क्वेश्चन ये आता कि दक्षिण अमेरिका में बोरो जनजाति कहाँ निवास करती है, उसका निवास स्थल क्या है, तो अमेजन नदी की घाटी में और पेरू और ब्राज़ील देशों में बोरो जनजाति पाई जाती है। अब आ जाते हैं साउथ अफ्रीका में, ये अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से शुरू करते हैं। सबसे पहली जनजाति अफ्रीका महाद्वीप की आपको पढ़नी है पिगमी जनजाति। पिगमी जनजाति जो है कांगो बेसिन में पाई जाती है। देखो दोस्तों, ये कांगो जो ये अफ्रीका है, अफ्रीका को जो विषुवत रेखा जहाँ से काटती है, ये विषुवत रेखा है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा के पास ही ये कांगो देश है, कांगो ये देश है। इस कांगो बेसिन, ये जो है कांगो नदी, कांगो देश के आसपास कांगो नदी भी है, इस नदी के किनारे जो इसका इलाका है कांगो बेसिन कहलाता है। और यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है पिगमी पाई जाती है। यहीं से एक सवाल ये भी बनता है कि पिगमी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो आपको इसके जवाब में ध्यान रखना है, पिगमी जनजाति पेड़ों पर निवास करती है। दोस्तों, ये पिगमी नदी कांगो बेसिन में पाई जाती है, तो कांगो बेसिन में जो नदी का किनारा, वहाँ जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर ही जनजाति अपने घर बना के रहती है, पिगमी जनजाति, ठीक है। और दूसरी इसी अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति महत्वपूर्ण है कालाहारी के पास, ये कालाहारी डिज़र्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कालाहारी डिज़र्ट साउथ अफ्रीका के ऊपर, कालाहारी मरुस्थल जो है, यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है बुशमैन।
बुशमैन जॉर्ज बुश, दोनों में थोड़ा सा समानता है तो याद होने में आसानी रहेगी। फिलहाल हम यहाँ बुशमैन से जनजाति की बात कर रहे हैं। तो ये जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है और ये जो जनजाति होती है ये दीमक खाती है। जो दीमक नहीं होते उन दीमकों को ये चावल की तरह समझ के खाती है, मतलब दीमक के घर जो मिट्टी के बना लेते हैं उसमें वो हाथ डाल के ऐसे चावल की तरह इनको खा जाती है, बहुत गंदी जनजाति होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा बुशमैन। अब एक और जनजाति है मसाई जनजाति। मसाई जनजाति इसी विषुवत रेखा के पास, यहाँ पे तीन कंट्रीज़ हैं, केन्या, युगांडा और तंजानिया। तो ये जनजाति केन्या, युगांडा, तंजानिया में पाई जाती है, ये मसाई जनजाति कहलाती है। ठीक है, याद रहा आपको, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, केन्या, युगांडा, तंजानिया में। और एक और जनजाति है यहाँ पे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में ही, ये इलाका जो है ये सहारा मरुस्थल बोला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में, और ये सहारा मरुस्थल है। तो सहारा मरुस्थल में एक जनजाति है तुआरे। तो तुआरे जनजाति ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि तुआरे जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है ये जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। इस जनजाति की खासियत है कि ये सहारा जनजाति सिर्फ मरुस्थल में रहती ही नहीं है बल्कि यहाँ आने वाले जो टूरिस्ट वगैरह हैं उनको एज ए गाइड का भी काम करती है। ये लोग इस इलाके में जो बहुत टिपिकल इलाका होता है वहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, जहाँ पे आम आदमी नहीं सर्वाइव कर पाता वहाँ पे ये जनजातियाँ सर्वाइव करती हैं। तो उस कंडीशन में भी ये जनजाति इतनी अच्छे से सर्वाइव करती, साथ ही जो लोग वहाँ घूमने आते हैं तो उनको बतौर टूरिस्ट के रूप में उनको गाइड प्रोवाइड कराती है। अब ठीक है, और एक जनजाति दक्षिण अफ्रीका में ही पढ़ेंगे, दक्षिण अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निचला हिस्सा ये साउथ अफ्रीका जो है, इस साउथ अफ्रीका में जो जनजाति पाई जाती है उसको हम जुलू के नाम से जानते हैं, जुलू। ठीक है, तो दोस्तों हमने पढ़ा अफ्रीका महाद्वीप की जनजातियाँ, कितनी जनजातियाँ थी यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 जनजातियाँ हैं। एक बार रिकॉल करते हैं, सबसे पहली जनजाति पिग्मी। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, पिग्मी जनजाति विषुवत रेखा पे स्थित कांगो देश में कांगो बेसिन के किनारे पाई जाती है। पिग्मी कहाँ रहती है, पिग्मी पेड़ों के ऊपर घर बना के रहती है। दूसरी जनजाति यहीं पे बुशमैन, बुशमैन कहाँ पे, कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी मरुस्थल के में ये रहती है जनजाति, दीमक खाती है, इसलिए ये आपको याद भी रहेगी, इसका थोड़ा सा अलग है। और तीसरी जनजाति साउथ अफ्रीका में है वो जुलू। इधर आ जाते हैं तो ये मसाई जनजाति दक्षिण अफ्रीका में ही है, कहाँ पाई जाती है, केन्या, युगांडा, तंजानिया, इन तीनों देशों में ये जनजाति निवास करती है। और अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है उसको हम लोग तुआरे के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने अब ये अफ्रीका महाद्वीप की सारी जनजातियाँ याद कर ली। तो हमारे पास अमरीका, उत्तरी अमरीका, दक्षिणी अमरीका और अफ्रीका महाद्वीप की जनजातियाँ। अब हम आते हैं ऊपर यूरोप की बात करें, तो यूरोप में दोस्तों याद रखना, यूरोप में दो तरह की जनजातियाँ, एक नार्डिक है, एक हैसला। तो नार्डिक और हैसला दो ही तरह की जनजातियाँ यूरोप में पाई जाती हैं। नार्डिक कहाँ पाई जाती है, हैसला कहाँ पाई जाती है, आइए देखते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा आर्कटिक महासागर है और इस महासागर से जो सटे इलाके हैं यूरोप के, उसमें स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड, इन कंट्रीज़ को हम लोग नार्डिक कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं। तो इन कंट्रीज़ में जो जनजाति पाई जाएगी वो नार्डिक कहलाएगी। ठीक है, ये हमारा यूरोप है। यूरोप का जो उत्तरी हिस्सा है जो आर्कटिक महासागर से टच करता है, जो ठंडा इलाका है काफ़ी, और यहाँ पे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह पाए जाते हैं, तो ये इलाका जो है नार्डिक कंट्रीज़ के नाम से जाना था। तो यहाँ पे जो जनजाति पाई जाएगी वो नार्डिक जनजाति होगी। और दूसरी है हैसला। हैसला कहाँ पाई जाएगी, हैसला हमारा ये यूनाइटेड किंगडम जो है, इसमें ब्रिटेन में जो देश है यहाँ पाई जाती है। तो हैसला जनजाति कहाँ पाई जाती है, ब्रिटेन में, और नार्डिक ये नार्डिक कंट्रीज़ में, डेनमार्क, स्वीडन वगैरह में पाई जाती है। तो ये यूरोप में केवल, यूरोप से केवल आपको दो जातियाँ प्रमुख रूप से याद करनी है, नार्डिक और हैसला। नार्डिक स्वीडन डेनमार्क साइड में और हैसला ब्रिटेन में। अब हम बात करते हैं इधर एशिया की। तो एशिया में आपको याद रखनी है दो सबसे प्रमुख जाति है, बद्दू जनजाति। ये जो बद्दू जनजाति है ये अरब मरुस्थल में पाई जाती है। अरब मरुस्थल यहाँ पे है इंडिया के साइड में, तो ये इस तरफ, और यहाँ पे अरब में जो है ये बद्दू जनजाति, अरब जो मरुस्थल है यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है उसको हम लोग बद्दू के नाम से जाना जाता है। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि बद्दू जनजाति कहाँ निवास करती है, तो आपको बताना है अरब मरुस्थल में। और इसके बाद और आगे बात करें तो किर्गिस्तान में एक राजधानी, किर्गिस्तान जो है यहाँ पे पड़ता है, किर्गिस्तान एशिया में, इंडिया से थोड़ा सा ऊपर और ये रशिया के बॉर्डर पे, किर्गिस्तान जो इलाका है, किर्गिस्तान में खिरगिज जनजाति पाई जाती है। खिरगिज जनजाति, ये सवाल आता है खिरगिज जनजाति एशिया में कहाँ पाई जाती है, तो खिरगिज जनजाति किर्गिस्तान में पाई जाती है और यहीं पे पामीर का पठार भी है। तो पामीर के पठार और किर्गिस्तान इलाके में जो जनजाति पाई जाती है वो खिरगिज जनजाति है। याद रहेगा, खिरगिज जनजाति, किर्गिस्तान और पामीर पठार।
इसके अलावा रसिया की बात करें तो रसिया में एक जगह है साइबेरिया, ये उत्तर में बिल्कुल इसके नॉर्थ में साइबेरिया बेहद ठंडा इलाका है, और यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है उसको हम लोग कैमसिन के नाम से जानते हैं। क्या है दोस्तों? कैमसिन, कैमसिन याद रखिएगा, कैमसिन। साइबेरिया इलाके में जो जनजाति पाई जाती है वो कैमसिन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली दो जनजातियाँ हैं, एशिया में कौन सी है? कैमसिन, और अमेरिका में कौन सी है? एस्किमो। ठीक है, अब बात करते हैं दो और तीन जनजातियाँ और हैं, एक ये कुर्द जनजाति है। कुर्द जनजाति जो है, क्या है ये? कुर्द, ये जनजाति पाई जाती है ईरान और इराक में। तो ईरान और इराक में पाई जाने वाली जनजाति का नाम है कुर्द। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी जनजाति हैं। जब कभी हम इंडिया की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे हमारे पास इंडिया में जो जनजातियाँ निवास करती हैं उसमें जिप्सी है, बोडो है, गोंड है, डोगरी है, और ये गारो खांसी है, बहुत सारी जनजातियाँ हैं। तमिलनाडु इलाके में बकरवाल है, इस तरह से मेघालय में गोरा खांसी वगैरह है, जनजाति है। तो इंडिया के बारे में हम इंडिया की जब जनजातियाँ पढ़ेंगे तो उसको ढंग से पढ़ेंगे। अभी हम विश्व की प्रमुख जनजातियों की बात कर रहे हैं। अब अगला महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में याद रखिएगा, आपको ऑस्ट्रेलिया में जो जनजाति पाई जाती है वो ब्लैक फेलो के नाम से जनजाति है। ब्लैक फेलो ये जो जनजाति है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और ऑस्ट्रेलिया के नीचे ही एक नया ये जो महाद्वीप देश है इसको हम लोग दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, न्यूजीलैंड। तो जो न्यूजीलैंड की जनजाति है वो है माओरी। आपको याद रखना, न्यूजीलैंड की जो जनजाति है वो माओरी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, हमने आज पढ़ी विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, उम्मीद है कि आपको ये याद हो गई होंगी। अगर कोई चाहता है इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है, ये लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो उम्मीद है कि अब आपको ये जनजातियाँ याद हो गई। तो अगले वीडियो में दोस्तों अब हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख जनजातियाँ। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो आपके कुछ काम आ सकता है, कुछ काम आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों कमेंट अपने जरूर दें ताकि हम लोगों को समय समय पर ये पता चलता रहे कि हम आपके द्वारा मांगी गई जानकारियों के अनुसार वीडियो बना सकें। ठीक है, तो नमस्कार।